जो भी मेहमान आते हैं तो उन सबको मैं यहीं पर बिठाती हूँ। ये देखिए, ये मैं कालीन बिछा देती हूँ यहाँ पर। खड़े हो गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है और कुछ भी काम नहीं हुआ है बिल्कुल भी। और नाश्ता बहुत लेट हुआ है क्योंकि मेहमान आ गए थे, और काफ़ी लेट हुआ सुबह से क्योंकि आज बच्चे बहुत लेट उठे थे। सो जो भी मेहमान आते हैं तो उन सबको मैं यहीं पर बिठाती हूँ क्योंकि वो अंदर से ज़्यादा यहाँ गैलरी में बैठना अच्छा समझते थे। देखिए, ये देखिए, ये मैं कालीन बिछा देती हूँ यहाँ पर और पिल्लो वगैरह दे देती हूँ। सब यहाँ पर आराम करते क्योंकि यहाँ पर हवा चल रही होती है ना, तो अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है। और कूलर लगा के दे देती हूँ तो ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, बाहर से भी हवा आती है तो सबको अच्छा लगता है। गन अच्छा टूटा, लो ये ले लो। कौन सा बॉल बेटा? ड्रॉ में होएगा ना। रुको इधर रुको, पहले खाना खाओ फिर बाद में जाना। कब से आवाज़ दे रही हो, बिल्कुल भी हम्माद मोनी बनाना, पहले खाना खाओ। चलो फ्रिज के नीचे होएगा या बेड के नीचे होएगा देख लेना। चलो हाथ मुँह धो, पहले खाना खाओ, मुझे बहुत सारा काम करना है। और आज देखो मैंने कपड़े भी लगाए हुए हैं तो सारे कपड़े पड़े हैं, सब काम पड़ा है अभी और किचन पड़ा है। आज पता नहीं काम कब तक होएगा, मैं कब तक फ्री होंगी। चलिए रहे। हाँ हो गई, फूट तेरी हो गई नौटंकी। सो आज मैं सुबह से कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि अब तो फिलहाल रात हो गई है जब मैं शूट कर रही हूँ, और कल इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी। आज बहुत ज़्यादा काम था जैसे मैंने आपको सुबह बताया, और जो है कल रात ना मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। आँखें अभी फ़िलहाल ठीक है, शाम तक ऐसी ना थोड़ी सी रेड रेड हो रही थी। कल सिर्फ हार्डली मैं 2 घंटा सोई हूँ रात में क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था, ऐसा नींद सी नहीं आ रही थी, तो मतलब नींद पूरी नहीं हो पाई है और मैं रात में सो नहीं पाई हूँ। पानी भी भरना था, मशीन में भरना था और टाकी में भरना था। सो रात में भी बहुत काम था कल जो कि ख़त्म नहीं हुआ। सो इसीलिए आज मैं कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ और ना एक दिन थकान सा लग रहा था। सो मैं कल इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी और आपसे एक बात करनी है सबसे। हाँ भाई आ रहे भाई। मुझे ना पता चल रहा है कि लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं क्योंकि जो मेरे क्लोज़ हैं और उनके जो लोग क्लोज़ हैं ना, तो वो उनसे आके बोल रहे हैं कि अच्छी वीडियो बनाते हैं और हम देखते हैं, हमारी फैमिली देखती है। तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि माशाल्लाह मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं अभी। सो थैंक यू सो मच आप सबका, और इसी तरह प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखो वीडियो बनाते बनाते ये साहब भी आ गए हैं और अरहम बोल रहा है चलो चलो बाहर चलो। और मैंने आज कुछ भी खाना नहीं बनाया है, बाहर से आया है खाना, सो वही खाएंगे। अल्लाह बेटा चलो। यही देखेंगे ना सब, यही देखेंगे। मेरी मटकनी आपा लड़की मेरी, तो मैं तो लड़की हूँ ही, तुम मेरी रानी हो, दोनों राजकुमारियाँ हो मेरी। ए मेरी राजकुमारी क्या कर रहे हो अरु, तुम किसको मानू? शादी का नहीं। इसकी चटनी एक नंबर है, खा दे। क्या हुआ? खुशी कैट, वीडियो मत बनाओ इसका, वो हरी है।
आई शोना पहले खड़े हो गई। आए नानो हाथ मिलाओ कटोरा सिंह मिलाओ। चल तेरा मुंह देख रही है अज्जू तेरा। आए हन की चप्पी आरुषी अरे यार वो भी एक जानवर है। छोड़ 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 डर गया। यहाँ पर हम आए हैं थोड़ा सा इंजॉय करने बाहर खाने पीने के लिए तीनों बहनें और अरहम को मैं साथ लेकर आई हूँ। पानी पूरी अभी तक उसके हाथ में है और केक खाए बिना तो मैं जाती नहीं हूँ। केक मेरा फेवरेट है बस, और अरहम को भी बहुत पसंद है, हम्मात को भी, जैसे आप सब जानते हैं। सो बहुत ही टेस्टी केक था ये, बस वही इंजॉय करेंगे और फिर यहाँ से हम चाची के जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हो गया है नेक्स्ट से भी नेक्स्ट डे, और मैं जो है इन दो दिनों में बहुत ही ज़्यादा कम वीडियो बना पाई हूँ, बहुत कम शूट कर पाई हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, और प्लस जो है ना बॉडी एकदम थकान थकान फील कर रही थी, तो मन किया कि मतलब इतना कुछ थोड़ा सा आराम करूँ, इतना कुछ ना बनाऊँ। और आज जो है नेक्स्ट मॉर्निंग है तो अभी सब सो रहे हैं, मैंने बस सिर्फ फेस वॉश किया है और पीछा ही नहीं छोड़ते, कभी कहीं कभी कहीं आना ज़रूर है इन्हें। चलो खैर कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है। सो मुझे आज इस ब्लॉग का एंड करना था क्योंकि मैंने एंड नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा सा क्लिप शूट किया है, अब उसको एक साथ रख के एक तैयार कर दूंगी ब्लॉग। और मैंने सोचा इस ब्लॉग का आज मॉर्निंग में एंड किया जाए क्योंकि एंड नहीं होता है तो ब्लॉग अधूरा लगता है। सो आज जो है हस्बैंड की छुट्टी है और अब देखते हैं आज क्या न्यू ब्लॉग बनता है, क्या स्टार्ट होता है। सो मैंने कहा इसको पहले एंड कर देती हूँ, फिर न्यू ब्लॉग आज देखेंगे क्या स्टार्ट होगा, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। सो चलिए जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और आपका थैंक यू इतना प्यार देने के लिए।